मैंने कब पीठ छोड़ा वाले? क्या कहा? कुछ नहीं। जा घोड़ा ले आ। अभी लाता हूँ। अरे 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 संभाल के ला। संभाल गई तो ला रहा हूँ छोटे वाले। हाथ में क्या है? कुछ नहीं। दिखा क्या है? देखने की चीज थोड़ी है। चल रख दे इसे, रख दे। जो हो। हेलो घोड़ा ठाकुर। अब तुम गए काम से। तेरी की तुम्हारी तो हर चाल सीधी पड़ती है और तुम्हारी उल्टी, शतरंज में भी और धंधे में भी। लेकिन आखिर में जीत मेरी होती है जमींदार अमर सिंह जी। क्यों नहीं क्यों नहीं, थे बनिए उल्टी चाले चल चल कर बन गए ठाकुर। क्या मतलब? मतलब बाद में समझना। ये गया तुम्हारा घोड़ा। मैं नहीं खेलता, इतने जोर से क्यों मारा? मरे को मारे शाह मदार, आज मैं तुम्हें दिवालिया करके ही छोड़ूंगा। ये मूछ बताओ क्या देते हो? अरे ये मूछ जमींदार की है, कोई ठाकुर वाकुर की नहीं। देखो जमींदार। पिताजी। अरे प्रताप बेटा, कहो गांव से कब आए? बस चला ही आ रहा हूँ। नमस्ते चाचा जी। हाँ जीते रहो बेटा, जीते रहो। कहो गाँव का हालचाल क्या है? सब ठीक है। इस साल वो फसल हुई है कि बस जी खुश हो गया। तीन तीन हाथ। अच्छा अच्छा, पहले जाके माँ से मिल, बातों के लिए सारा दिल पड़ा है। हारना मत चाचा जी। बेटा हो तो प्रताप जैसा, बड़े भाग्यवान हो अमर सिंह। एक छोर दो बेटे,
गोपाल की बात मत करो ठाकुर, वो बिल्कुल ही निकम्मा है। पर है तो बेटा, मुझे देखो एक ही बेटी है, तरस गया हूँ बेटे को। अच्छा, अब मैं समझा कि मेरे बेटों के गुण क्यों गाए जा रहे हैं। ठाकुर, ये पिटे हुए मोरे यहाँ कहाँ से आए? यही था। हाँ हाँ यही था, बिल्कुल झूठ, यहाँ नहीं था। अरे मुझे क्या मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो ये उड़ के आ गए मोरे यहाँ। माँ, माँ, खा ले बेटा। माँ, खा ले, ये सब तेरे ही लिए तो है। तूने कैसे जान लिया कि मैं आज ही आऊंगा? माँ का दिल है बेटा, इतना भी नहीं जानता क्या? सच बता, तेरा जी नहीं जाता था मुझसे मिलने को? तभी तो आ गया हूँ माँ। खाना परोस दूँ? दूर गांव से आया है, भूख लगी होगी। नहीं माँ, गोपाल के साथ खाऊंगा। अरे उसका कोई ठहर ठिकाना थोड़ा ही है, जाने कहाँ मारा मारा फिरता होगा। उसके सब ठिकाने मुझे मालूम है, मैं अभी उसे कान से पकड़ के ले आता हूँ। जरा नीचे आओ ना, चाची कहती है कोई मिलने आया। कौन आया है? आकर देख लो ना। आओ बेटी, शर्मा क्यों रही हो? अपना ही प्रताप है। आओ बेटी बैठो। सोच क्या रहे हो, दे दो ना। ये अरे, मुझे क्यों? जिसके लिए लाए हो उसे दो। ये फेड़े का फल ले ले बेटी, हमारे यहाँ थकते हैं। अरे कहाँ चली? काट कर लाती हूँ, तू बैठ, मैं लाती हूँ काट कर। तुम बैठोगे नहीं? आप खड़े ही रहेंगे? हाँ मैं भी बैठता हूँ। प्रताप, बातें बातें कर ली बेटा? हाँ चाची, बहुत बहुत। अरे प्रताप तू यहाँ? हाँ रहो साहब, मैं गोपाल से मिलने आया था। तो मिल लिया बेटा। इस वक्त गोपाल यहाँ क्यों आने लगा? ये खुद ही तो कह रहा है। ये तो कह रहा है, पर तुम नहीं समझे ये किससे मिलने आया है? नहीं तो मुझसे मिलने आया है, मुझसे। मैं चाची से मिलने आया था। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, नमस्ते। इसी तरह गोपाल से मिलने कभी कभी आ जाया करना।
हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। सदियों से जग में आता रहा मैं, नए रंग जीवन में लाता रहा मैं, हर एक देश में निश नए भेस में। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जमा धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। कभी मैंने हंस के दीपक जलाए, कभी बन के बादल आंसू बहाए। मेरा रास्ता प्यार का रास्ता। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। अगर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग ये एक तारा। गाता हुआ दुख बुलाता हुआ। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। ये क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। भैया हाँ। एक तुमसे बात पूछनी है। वो जो पहाड़ पे मकान है ना, जहाँ तुम अकेले रहते हो, हाँ। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? पागल, डर कैसा? वो ढेर सारे मच्छर है, तुम्हें काटते नहीं क्या? मच्छर? हाँ? क्या पक रहा है? ऐसे पक रहा हूँ। भैया एक चीज दिखाओ। दिखा? अच्छी वाली चीज दिखाओ। नाचने लगोगे। ये बता क्या है? पहले बताओ किसका। माँ तो ऐसा हार नहीं पहनने की, इसका मतलब है कि वो हार देता है कि नहीं? नहीं, पहले बताओ किसका है। बताओ मत। क्या हुआ? पिताजी। प्रताप बेटा। जी पिताजी। मैं चाहता हूँ कि खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए तुम किसी दूसरे आदमी को भेज दो और खुद यहां रहकर मंडी का काम संभालो। क्यों पिताजी? बेटा तुम तो जानते हो कि मैं दिल का मरीज हूं और तुम्हारी मां की आंखें भी कमजोर हो चली हैं। ऐसी अवस्था में अगर तुम हमारे पास रहो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा पिताजी। और हां बेटा, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए, ठीक है ना? मैं क्या कह सकता हूं। और गोपाल, मैं शादी वादी नहीं करूंगा पिताजी। हाँ। नालायक, तेरी शादी की बात कौन कर रहा है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ पिताजी, मुझ नालायक से शादी ही कौन करेगा? तू नालायक ही नहीं बल्कि फांटती है। जब देखो नाचना गाना और आवारा करती, बहुत हो चुका। कल से मंडी में जाकर बैठ। मैंने मुनीम जी से कह दिया है, अगर वहां से हिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? जी। प्रताप,
गोपाल ये किस पर बिगड़ रहे थे? मेरे सिवा और कौन हो सकता है? भैया के लिए शादी और मेरे लिए मंडी। अच्छा तेरी भी शादी कर देंगे। शादी कौन करता, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? शादी हो गई तो तुझसे ज्यादा घरवाली से प्यार करूंगा, समझी? इसलिए। अच्छा अच्छा तू घरवाली से ही प्यार कर। और प्रताप मुझसे एक बड़ा आया ये प्यार करने वाला। देख भैया मैं तुझसे 5 बरस छोटा हूँ, 5 बरस कम मैंने माँ से प्यार किया। माँ तू शादी इसकी कर दे। पगला। अरे इसका क्या होगा? किसका? ये जो भी पिताजी कह गए मंडी संभालने वाली बात। तू एक काम कर। काम काम ही तो मुझसे होता नहीं। अरे झूठ मूठ। झूठ मूठ? हाँ दिखावे के लिए चंद दिन मंडी में जाके बैठ, बाद में मैं आके सब कुछ संभाल लूंगा। कितना अच्छा है मेरा भैया। जानते हो मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा खुशकिस्मत आदमी। क्यों? तुम जैसा भाई जो है मेरा, और तुम्हारा तू जो है। मैं किस काम का हूँ, भांडू भांड दिन भर गाता बजाता रहता हूँ। मुझे ऐसा ही भाई चाहिए। सच? हाँ। तू मेरा एक काम कर दे। काम? भैया तुम बोलो, तुम्हारे लिए दे दूं जान। ये हार रेणुका को दिया। रेणुका को? उरी बाबा ये तो सच में जान लेने वाली। 12 रुपए मन। अरे नहीं छोटे बाबू ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो गेहूं का भाव बताया था, चावल का नहीं। चावल तो क्या मन है? 20 रुपए। मुनीम जी हम खानदानी आदमी है, वचन दे के पलटते नहीं, समझे? 12 रुपए मन। क्या बात है छोटे बाबू। रघुकुल छोटे बाबू। हम जब आ रहे थे ना रास्ते में बंजारों की टोली देखी। बंजारों की टोली? पहली बार आए इस गांव में। क्या गाना था, क्या नाच था, ठुमक ठुमक चुमक चुमक। कहाँ है ये बंजारों की टोली? टोली 12 रुपए मन बहुत महंगा है, कहाँ देखी थी ना टोली? अरे तुम 10 ही रुपए में ले जाओ ना, टोली कहाँ है? टोली? मंदिर के पिछवाड़े छोटे बाबू। मंदिर के पिछवाड़े? शाबाश मुनीम जी, तुम मैंने चावल 10 रुपए के भाव में दे दो, मैं प्रताप भैया का काम करके जरा दर्शन करके आता हूँ मंदिर से। हाँ मंदिर में नहीं जाओगे ना छोटे बाबू तो बहुत अच्छा होगा। अब मालिक से मैं कह दूंगा कि सब काम तुम ही करते हो। शाबाश जयराम जी की। ऐसा ही गोलमाल करते रहोगे तो जमींदार साहब एक दिन मुझे ही गोल कर देंगे। 10 रुपए भाव का चावल चाहिए ना तुम्हें? आओ एक सेर चावल लेके जाओ। झाड़ू मार कर निकाल दूंगी हमारा कहीं का। चल हम कुछ कहते नहीं तो सर पे चढ़ा आ रहा है, हमारा ही घर रह गया इसको सत्यानाश करने को। चल गोपाल मैं तुम्हें ये देने आया हूँ तो आ जाओ ना। है? ना बाबा ना, चल तुम यहीं से ले लो, अभी उतार देता हूँ। ए चाची तो नहीं है? ये लो। क्या मतलब? तुम पहना दो। वाह हार भी लाया, पेड़ पर चढ़ा और पहना भी दूं। तुम ना सही, मैं अभी चाची को बुला दूं। गुरी पापा नहीं नहीं ठहर। तुम पहना तुम। क्या देख रहे हो? हार। हार नहीं जीत। जीत? तुम पहली बार मेरे लिए कुछ लाए हो ना? लाए तो मैं हूँ लेकिन। बैठोगे नहीं? ना बाबा ना, चाची आ गई तो। पर तुम चाची से इतना डरते क्यों?
क्या करूं, चाची को देखता हूं तो नानी याद आ जाती है। पर चाची तो यहाँ नहीं है, मैं हूँ, मुझे देखकर। तुम्हें देखकर चाची याद आ जाती है। अच्छा, इसका मतलब है मुझे देखकर तुम्हें नानी याद आती है। हाँ, नहीं बेनू। उरी बाबा। ये पेड़ क्यों हिल रहा है? जरूर बंदर आया होगा। गंगाधर, मैं समझी कोई बंदर आया है, मगर ये तो निकला। हनुमान। हाँ? चाची जय बोलो। बोलती हूँ, उतर नीचे। अरे डंडा नीचे कर। उतर नीचे। तू कल जाएगा कहाँ? पेड़ पर क्यों चला था? बोल। अंदर आना था ना। दरवाजे से क्यों नहीं आया? कैसे आता? अंदर तू थी और हार पेड़ पे था। पेड़ पे हार? हाँ, रेनू का हार। रेनू का? नहीं, हार? नहीं, 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 प्रताप का हार रेनू के लिए। ओ, प्रताप ने हार भेजा है। गोपाल, ओ गोपाल, क्या बात है री, पैर क्यों नहीं टिकते जमीन पर? अरे कितना अच्छा हार है ना, और देने वाला भी कितना अच्छा है। जाओ चाची। ये क्या सूरत बना रखी है, इतनी बड़ी हो गई और अपने तन बदन की सूद नहीं। चला बैठ, तेरे बाल बनाओ। चाची। हुँ? मेरा एक काम करोगी? तेरा काम तो कभी खत्म नहीं होता। बोल क्या? मुझे एक गुड़िया बना दो। गुड़िया? तेरा गुड़िया खेलने के दिन है? खेलूंगी नहीं चाची, मैं उसका ब्याह रचाऊंगी। ब्याह रचाएगी? अच्छा तो बना दूंगी, लेकिन याद रख उसकी सूरत बिल्कुल तुझ जैसी होगी। ठीक है, मैं उसके लिए गुड्डा बनाऊंगी। जानती हो उसकी सूरत कैसी होगी? तू जान और तेरा गुड्डा जाने, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। ये हमारे ब्याह की है? मैं क्यों ब्याह करने लगा? नेकी ब्याह करने लगा? जैसे तुम्हारे लिए ही तो लड़कियां बैठी हैं। राम राम राम, ये क्या कह रही हो? घर में लड़की सियानी हो गई है, तुम्हें कुछ फिक्र भी है? फिक्र ना होती तो रिश्ता तय करके क्यों आता? तय कर है किससे? किसी पराये से नहीं, अपने प्रताप से। हे भगवान, तुमने मेरी सुनी, कितना भला लड़का है। हमारी रेणुका के लिए एक हार लाया था, वो भी खुद नहीं दे सका, गोपाल के हाथ भिजवा दिया। अच्छा। मुझे 50 रुपए चाहिए। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। अभी बताता हूँ सबको आटे दाल का भाव। सुनो सुनो भाइयों, इस दुकान से गेहूँ चावल बाजरा जो चाहिए आटे दाल। रुपए चाहिए, ये ले लो पूरे 50 और दाल। सुनो, ये रुपए किसके खाते में डाल? मेरे खाते में। और तुम्हारे खाते में सब उधारी उधारे। तो फिर प्रताप भैया के खाते में डाल दो, उसी की सगाई की खुशी की तो मिठाई लेने जा रहा हूँ। कहा? छोटे मालिक की सगाई? नहीं, और अपनी सगाई की खुशी में मिठाई बांटूंगा क्या? मुनीम जी, अभी घर से सुनकर आया हूँ, प्रताप भैया की सगाई रेणुका से हो रही है। सुना चौधरी जी, तुमने छोटे मालिक की सगाई ठाकुर जी की लड़की से हो रही है? अब तो बड़ी धूमधाम होगी। अरे धूमधाम क्यों नहीं होगी, जमींदार साहब के घर की पहली सगाई है, पहली। चाची, ओ चाची, चाची कहाँ? चाची कहाँ? लक्ष्मी बाहर गई है। अरे घर में और कोई नहीं है क्या? बस रेणु बीबी। गोपाल? हाँ गोपाल, लेकिन मुरली वाला नहीं, मिठाई वाला। कानों में रस नहीं खोल सकता, लेकिन मुंह मीठा करा सकता हूँ। मुकुल खोलो, खोलो मुकुल। क्या हुआ गोपाल? तुम कभी गंभीर भी होते हो? गंभीर? यहाँ सभी तो गंभीर हैं। तुम, प्रताप, पिताजी, चाची, ठाकुर साहब, अगर मैं भी गंभीर हो गया तो खुशी कौन मनाएगा? खुशी तो इंसान के दिल में होनी चाहिए गोपाल। मैं समझ गया,
क्या समझ गए? मैं समझ गया ये आंसू क्यों। गोपाल तुम समझ गए? गोपाल हाँ, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। ये मोहब्बत के आंसू है, मोहब्बत के, जिसका दूसरा नाम है सगाई, शादी, बारात, टोली, बाजे, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और एक शर्माई हुई दुल्हन, है ना? गोपाल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक नहीं सौ, अब सारी बातें मुझे से तो करनी होगी। भैया खेतों में काम करेंगे, तुम जो कहोगी भैया को कह दूंगा, भैया जो कहेंगे तुमसे कह दूंगा, और मेरा काम ही क्या है? नहीं नहीं ये बात नहीं। किससे बात कर रहे हैं रेनू? मर गया चाची। ये कौन है? तू फिर आ गया? हाँ हाँ आ गया, पेड़ पर से नहीं दरवाजे से छाती ठोक कर आया हूँ। बड़ी धौंस जमा रहा है आज। क्यों ना धौंस जमाऊं, जानते हो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? सुनो, तुम्हारे देवर की बेटी के होने वाले पति का छोटा भाई। बोल चाची क्या लगा तुम्हारा? दुश्मन। चाची तुम्हारी जवान है या कांची? मुंह मिटा कर, मुंह मिटा कर। अच्छा मैं जाता हूँ, बृहस्पत को प्रताप भैया से मिलने जा रहा हूँ, कुछ कहलवाना हो तो कह दो, लेकिन देखो मुस्कुरा के। बड़ी शर्मीली लड़की है, जब मैं इसकी उम्र की थी मैं भी बड़ी शर्मीली थी। चाची चाची एक बात बोलो। चाची तुम और शर्म, पत्थर और नरम, बर्फ और गर्म है। कोई बंदर तो नहीं? क्या नाम चाची? जाने क्या हो गया है इस लड़की को। अरे सांझ होने को आई और तुझे मंदन की सूची है? मैं अकेली नहीं जा रही हूँ चाची, लक्ष्मी साथ है। लक्ष्मी साथ है तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ आज हनुमान मंदिर जाने का कौन सा दिन है? और जाना ही है तो परसों चली जाना, सुनसर के दिन। नहीं चाची, मैंने मानता की है। क्या मानता की है? मुझे अपने भगवान से आज ही मिलना है। तू जान और तेरा भगवान जाने, बड़ी रिद्दी लड़की है, कभी किसी की नहीं सुनती। अच्छा बाबा जाना है तुझे, लेकिन जल्दी आ जाना। जो रेनू बीबी गाड़ी तैयार है, तू चल मैं भी आई। मैं पूजा के फूल तो घर भूल आई, जा वापिस जा गाड़ी में और जल्दी लेकर आ। दीदी तुम यहाँ अकेली रहोगी? तू जाना। संसार में एक तुम ही खुश हो, है ना? न जीने की फिक्र न मरने का गम, बस चुपचाप खड़े रहते हो एक ही जगह पर। ठीक है खुश रहो, एक छोटी सी प्रार्थना मेरी भी सुन लो, हम दुनिया वालों को भी खुश रहने दो। हाँ सुन लिया ना?
कौन है तुम? यहां कैसे आई? जवाब क्यों नहीं देती? तुम यहां कैसे? तुम जब मंदिर गए थे। क्या पागलपन है, अकेले इस तरह आना पड़ा। लेकिन क्यों, ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी? जानती हो किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी। यही ना, तुम नहीं जानते गोपाल, जब कोई लड़की इस तरह लाश शर्म छोड़कर चली आती है तो क्यों आती है, कब आती है, किसके पास आती है? किसके पास? जो उसके लिए सब कुछ है। रेनू, बारिश हो रही है। कंबल दे तो। अभी लाता हूँ। बारिश में तो सिर्फ दो ही चीजें काम आती हैं, एक कंबल और दूसरी। दूसरी? दूसरी भी यही कंबल समझिए छोटे मालिक। इतनी बारिश में आप कहाँ जा रहे हैं? गोपाल ने आज आने को कहा था, अभी तक पहुँचा ही नहीं। थोड़ी दूर देख आता हूँ, जरूर कहीं फंस गया होगा। पर इतनी बारिश में। देख, हम दोनों का खाना गर्म रखना, किसी का सो मत जाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे, साथ साथ मुझे भी कलंकित कर। मैं पूछता हूँ तुमने ये क्यों किया, क्यों किया तुमने? मुझे करना पड़ा, अब चाहे मुझे छुपा दो या अपना लो। ये तुम्हें सोच भी नहीं सकता, दुनिया क्या कहेगी? तुम ही मेरी दुनिया। ये मैं कैसे भूल जाऊँ, प्रताप मेरा भाई है। घर वापस चलो, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ समझा लूंगा। तुम पर किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। नहीं गोपाल, पहले मुझे जवाब दो। तुम तो पागल हो, इतना नहीं समझती कि जो तुम कह रही हो सोच रही हो सब पाप है? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने वही सोचा जो एक पवित्र आत्मा सोच सकती है। मैंने वही कहा जो एक पुजारी सिर्फ अपने देवता से कह सकती है। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे पति। अपनी बात वापस लो रेनू, तुम्हारा देवता प्रताप है। नहीं, मेरा एक ही देवता है, वही जिसकी मैंने बरसों अपने मन मंदिर में पूजा की, जिसकी मेरे हर सांस में आरती उतारी। लड़की एक ही बार किसी को अपना पति मान सकती है। नहीं रेनू, नहीं, तुम्हारा ब्याह होगा तो प्रताप के साथ ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान की सौगंध खा कर कहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। शगन का समय निकल रहा है, प्रताप अभी तक नहीं आया। आते हैं चाची, आते हैं, जरा बन ठन के आएंगे ना। ऐसा भी क्या बनना ठन्ना, सगाई रोज रोज थोड़ी होती है, कभी तेरी सगाई हुई तब जाने ना। चुप, देखूंगी जब तेरी सगाई होगी तू कब आता है। शादी के दो दिन बाद आऊंगा, क्यों मुनीम जी? मुनीम जी सब तैयारी हो गई? तैयारियां तो सब हो चुकी है, लेकिन लड़का। घबराओ नहीं बहन, मेरी सगाई के दिन भी लड़का देरी से आया था। चाची बताओ क्यों देरी से आए थे? शर्म के मारे और क्यों? अरे शर्म के मारे नहीं चाची, डर के मारे, तेरे डर के मारे। छोटे बाबू, छोटे मालिक आ गए। प्रताप भैया आ गए। हाँ। पिताजी, प्रताप भैया आ गए। बाप आ गया है तो बेटा कैसे नहीं आता। लो आ गया। भैया,
लेकर आए हो? पीली तो कौन सा पाप किया है, आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन नहीं पीऊंगा तो फिर कब पीऊंगा? क्यों ठाकुर साहब, ठीक कहा ना? देख क्या रहे हो, शगुन दो मुझे। अरे तुम लोग चुप क्यों बैठे, मेरी सगाई करने आए हो या मेरी आरती उठाने आए हो? क्या बात है ठाकुर साहब? खुशबू अच्छी नहीं लगती है। क्या बात है पिताजी, पिताजी आप गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है पिताजी? निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। भैया क्या हुआ तुम्हें? गोपाल क्या ले गई थे? अब क्या होगा अमर सिंह, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, आज मेरी और मेरे घराने की इज्जत मिट्टी में मिल गई। घबराओ नहीं ठाकुर, शगुन देने आए हो तो देकर ही जाओगे। गोपाल। जी पिताजी। इधर आओ, देखते क्या हो ठाकुर, तो इसे शगुन। पिताजी ये मेरा हुक्म है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, तुम अपना फर्ज पूरा करो। भगवान, जो दुख मैंने जानबूझकर उठाया है उसे तो मैं सह लूंगा, तुम बस रेणुका को सुखी रखना, रेणुका को सुखी रखना भगवान। आओ बेटी आओ। अच्छे हो ना? चलो चलो। लो भैया ठाकुर साहब के मेहमान आने लगे, बड़ी धूमधाम से ब्याह होगा। मगर ये क्या चीज है भैया, पहली बार देखिए इस गांव में। बड़े लोगों की बड़ी बात भैया, न जाने क्या क्या उठा लाए। रेनू बेटी। क्या है? बेटी कहाँ है? स्नान कर रही है। उसका सामान वामान ठीक से रखवा दिया ना? जी, कमरा भी साफ करा दिया, बिस्तर। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम,
मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे, मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। रात भी निराली ये रुत भी निराली, रंग बरसाए उमंग मतवाली, प्यार भरी आँखों ने जाल है बिछाए, कैसे कोई दिल की करेगा रखवाली, कैसे कोई दिल की करेगा रखवाली। ये तो कहो, ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। मस्तियों के मेले ये खोई खोई रातें, आंखें करें आंखों से रस भरी बातें, भोले भाले हैं वो मगर देखने में, मुझसे क्या छुपेंगी ये लूटने की घातें, मुझसे क्या छुपेंगी ये लूटने की घातें। ये तो कहो, ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे, मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। नहीं हो जो सपनों में आके छुप गए अपनी झलक दिखला के, तुम ही तो नहीं हो, मैं ढूंढा किया जिनको, फिर भी तुम ना आए मैं थक गया बुला के, फिर भी तुम ना आए मैं थक गया बुला के। ये तो कहो, ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे, मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। चाची, ठाकुर साहब, चाची कहाँ? चाची मंदिर गई। ठाकुर साहब वो भी बाहर गए हैं। मुझे किसने बुलाया? मैंने। तुमने? क्यों? बताती हूँ, पहले आंखें बंद कर लो। आंखें बंद? बंद कर लो ना। Thank you.
बजाती रहिए, बंद मत कीजिए, बजाइए बजाइए ना। अरे पहले जान पहचान तो कर लो। मैं तो इन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। कैसे, कल ही तो देखा है। देखा कल ही होगा, लेकिन जानता कब से। अच्छा बोलो कौन है ये। संगीता। नहीं प्रीति, रिश्ते में मेरी बहन होती है। दूसरों के लिए प्रीति है लेकिन मेरे लिए संगीता। बजाइए ना बजाइए। ये आप ही के लिए लाई हूं, शादी का तोहफा, आप बजाइए ना से। आता नहीं, आप सिखा देंगी। सीख लूंगा, सिखाएंगी ना। मैं रेणुका को सिखा दूंगी, आप उससे सीख लीजिएगा। यूं तो सारी जिंदगी बीत जाएगी। हाँ, मेरे साथ चलो घूम फिर आए। संगीता। प्रीति, प्रीति भी संगीता भी, चलिए। सुनिए, आपने ये धुन कहां से सीखी। आप बजा रही थी ना। मैंने तो एक ही बार सुनाई थी, आपको याद हो गई जी। धुन है ना। अजीब आदमी है। अजीब ही नहीं पागल भी, सारी दुनिया मुझे यही समझती है। पर आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है। पंछी जब उड़ता है तो मुझे उसके परों में संगीत सुनाई देता है, नदी जब बहती है तो लहरों में, हवा जब चलती है तो पत्तों में, और जब हाजी चुप हो जाती है बेआवाज सी, मुझे तब भी संगीत सुनाई देता है खामोशी में। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, मेरी बात का यकीन नहीं ना। ठीक है मैं पागल ही हूं। पागल तो वो है जो आपको पागल कहते हैं। कैसे। वो आप जैसे लोगों से ज्यादा है ना इस दुनिया में, इसलिए। तो मुझ जैसे पागल क्या करे, मर जाए। नहीं आप वही कीजिए जो आप जैसे पागल करते हैं। बच्चे का मुस्कुराना, फूल का खिलना, सूरज का उदय होना, सबको अच्छा लगता है ना। हाँ लगता है। चित्रकार इस खुशी को रूप देने के लिए चित्र बनाता है, कभी गीत लिखता है और संगीतकार सुरों के साँचे में ढालता है इसे। आप भी एक संगीतकार हैं, पागल, एक दिलचस्प पागल। संगीत आपकी भावनाओं का रूप है। आज तक मुझसे किसी ने इस तरह की बातें नहीं की, किसी ने भी मेरी तड़प समझने की कोशिश नहीं की। सुनिए इस तड़प को रूप देने के लिए मैंने बहुत से गीत लिखे, आप सुनेंगे। हाँ नहीं सुनाएंगे तो बात नहीं करूंगी आपसे। तब तो जरूर सुनाऊंगा। पागल, तुम दोनों ही पागल, न जाने कैसी बातें करते हो। चलो यहाँ। ना कि संगीत भावनाओं का रूप है। हाँ आज मुझे एक नया संगीत सुनाई दे रहा है। कैसे संगीत। वो देखो हम दोनों अलग अलग हैं लेकिन हमारी आत्माएं अक्स बनकर एक दूसरे से मिल रही हैं, और देखो कैसे कांप रही हैं।
ये क्या किया? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े भीग गए। चलो चलो जल्दी घर चलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। इस हालत में किसी ने देख लिया तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मुझे कब देखते हो? कब नहीं देखता, हमेशा तो देखता हूँ, कभी जागते हुए कभी सपनों में। बस बस यहीं बैठ जाओ चुपचाप। महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, मैं हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ? ख्वाबों में मिले अक्सर एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ? महताब तेरा चेहरा पे चलना है, किस गाह पे रुकना है, किस काम को करना है, बतला के मैं कौन हूँ? महताब तेरा चेहरा तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ? महताब तेरा चेहरा रामू, तू बाहर जा, बिस्तर बाद में ठीक कर दे। जी मां। गोपाल, मैं गीत लिख रहा हूँ माँ। मुझे एक जरूरी बात कहनी है बेटा। पहले ये गीत तो खत्म कर लूँ, मुझे आज प्रीति को सुनाना है। नहीं, मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, आज से तू उसे कोई गीत नहीं सुनाएगा। माँ, सारा गांव तुम दोनों के बारे में बातें कर रहा है। तो क्या हुआ, करने दो बातें, वही तो एक लड़की है जो मुझे समझती है। उसे कोई अधिकार नहीं तुझे समझने का, अधिकार है तो सिर्फ रेणुका को, जो हमारे घर की बहू बनने वाली है। तू जो कर रहा है वो पाप है गोपाल, पाप। पाप? ये पाप है कि उसने मुझे जीना सिखाया, उसने ये सिखाया कि मैं सांस क्यों लेता हूं, चांद सूरज दिन रात इनसे मेरा रिश्ता क्या है? गोपाल, तू जमींदार का बेटा है, ऊंचे घर आने का, तुझे अपने खानदान की इज्जत से खेलने का कोई अधिकार नहीं। पृथ्वी को मामूली लड़की नहीं है माँ, मैं सास हूं तो वो सुर है।
अगर तू मेरा बेटा है तो आज से तेरा उसका मिलना जुलना बंद। माँ, अगर तूने मेरा दूध पिया है तो तुझे उस दूध की सौगंध। मैंने तुम्हारा दूध पिया है ना, तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है ना। तुम एक काम करो मां, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी कर दो, शनाई बजवा दो मां, जोर जोर से हंसते हुए स्वरों में, ताकि जो स्वर मेरे दिल में उठ रहे वो डूब जाए, दब जाए, सुनाई तक ना दे मां, मुझे भी सुनाई ना दे। बताओ ना चाची क्या बात है, बताओ ना पिताजी क्या बात है। चाची आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? देखो ना कुछ बताते ही नहीं, मैं पूछ पूछ के थक गई हूँ, आप ही बताइए ना पिताजी। तुम्हें बता दो भाभी। बताओ सचमुच बताओ, बताइए ना। गोपाल की माँ ने कहलवाया है गोपाल को, और सबर नहीं, शादी 20 की बजाय 7 तारीख को होगी। से मिलने आई हूं आखिरी बार, आज मैं जा रही हूं। आज जा रही? क्यों, इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब तो होता है दिया नहीं जाता। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी, जवाब दोगी? हां मुझे डर लग रहा था। मुझसे? नहीं, अपने आप से। तो क्या मेरा इतना कहना काफी नहीं कि मैं जा रही हूं? मैं चली भी जाऊं तो रहूंगी यहीं तुम्हारे पास, और तुम मुझसे दूर रहना भी चाहोगी तो नहीं रह सकोगे। तुम्हारी उंगलियां जब इसे छुएंगी तुम मुझे छूओगे। गोपाल, संगीत तुम्हारी जिंदगी है, सब कुछ खो देना, इसे मत खोना। जाने से पहले मेरी एक ही इल्तिजा है, मानोगी? कहो। एक बार वो तुमसे पहले सिखाई थी। प्रीति, नहीं नहीं प्रीति। गोपाल, अमर सिंह सुना है गोपाल आजकल बड़े मन से काम कर रहा है। क्यों नहीं, बैल के कंधे पर जुआरा और लग गया काम से। बैल? बैल कौन और कौन? तुम्हारा दामाद। मेरा दामाद बैल नहीं, तुम्हारा बेटा बैल। तुम्हारा दामाद बैल। ये लो पुराना हिसाब किताब। मुनीम जी। जी। लोग जो हमारे यहाँ से अनाज ले जाते हैं वो शहर में जाके बेचते हैं ना? हाँ छोटे बाबू। मुनाफे के लिए? जी। तो अगली फसल हम क्यों ना शहर में जाके अपना अनाज बेचे? ये भी ठीक है छोटे बाबू। तो कल मैं शहर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा। जो हुकुम। जयराम जी की छोटे बाबू। छोटे बाबू हमें चावल चाहिए 20 रुपए मन। छोटे बाबू पिछले साल जो बंजारों की टोली आई थी ना, इस साल उससे भी बढ़कर टोली आई है। 40 रुपए मन। क्या नाचते हैं वो लोग? 50 रुपए मन। क्या ढोलक बजाते हैं वो लोग? 60 रुपए मन। छोटे बाबू
कोई टोली वोली नहीं आई। तो 20 रुपए मन मुनीम जी। हाँ। इन्हें चावल दीजिए। हाँ। कितना चाहिए? एक से क्या? नहीं नहीं, एक मन। तो आओ जा, मैं नहीं खेलता। खेलना पीछे, पहले ये बताओ बहू को घर कब ले जाओगे? घर? हाँ, अब तो यही उसका घर है। ओहो, तुम्हें तो सब कुछ समझाना पड़ता है। पता भी है, लड़की अपने पहले बच्चे का पालना मायके में ही झुलाती है। ये बात है। मुबारक हो ठाकुर, मुबारक हो। अब तो नाना बनने वाले हो, हो जाए खुशी में एक बाजी। पिताजी। क्यों बेटा? कल मैं शहर जा रहा हूँ। क्या बात है? गल्ला भेजा, कुछ हिसाब किताब करना है। इतना काम न किया कर बेटा, देख कितना मुंह सूख गया है। देखा, बैल है बैल। गोपाल, संगीत तुम्हारी जिंदगी है, सब कुछ खो देना, इसे मत खोना। सोच रहे थे? कुछ भी तो नहीं। झूठ, मैं जानती हूँ तुम किसके बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहा? मुन्नी का नाम। मुन्नी? तुम्हें कैसे मालूम मुन्नी होगी? अगर मुन्ना हुआ तो? मुन्नी होगी। तुम्हें मुन्नी चाहिए ना, तो तुम मत सोचो, मैंने उसका नाम भी सोच लिया है। क्या? संगीता। तुम्हें ये नाम पसंद है ना? सुनो, मैं कल शहर जा रहा हूं। शहर? क्यों? एक जरूरी काम। बोलो, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? साड़ियां, कंगन, चूड़ियां, बोलो ना। मेरे लिए तुम लाना ही चाहते हो तो अपने आप को ले आना। ये नल काम नहीं करता। अरे कैसे नहीं करता साहब, अभी काम करने लगेगा। जरा आपका जूता तो बताओ। नो, कागज के माफक हल्का है। इसका नाम है जूता, पूरा पक्का 20 पाउंड का। पंडित जी जरा जूता निकालिए, इधर जूते के बगैर काम नहीं चलता। निकालिए निकालिए, बहुत वजनदार है। अभी हम बताता है, देखिए साहब। आया, देखा सर, पानी आ गया। कमाल। पानी चालू करने का बख्शीश सर। सुनो, किसी नौकर को बुलाओ तो। कौन से काम के लिए सर? खाना मंगवाना। सब उसको नौकर नहीं बोलते, भाई बोलते या बेड़ा बोलते। अच्छा बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। अरे अरे मेरा भूल, ओह भूल गया। अजीब जगह, नल से पानी निकालने के लिए जूता मारना पड़ता है, आदमी से काम निकालने के लिए जाने क्या करना पड़े। आओ आओ। सलाम हुजूर, आपने याद फरमाया,
हाँ खाने के लिए क्या क्या चाहिए? मुर्गी चाप, मुर्गी रोज, मुर्गी बिरयानी, मुर्गी पुलाव, मटन रोज, मटन चाप, मटन कटलेट, मटन बिरयानी, मटन पुलाव, पेजा कलेजा पाया, आलू का तरकारी, आलू का भाजी, भिंडी का तरकारी, भिंडी का भाजी, सादा रोटी, सादा चावल, हरी मिर्ची और दाल फ्री। बस 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 सिर्फ चाय ले आओ। सिर्फ चाय? बख्शीश चाय लाने का। सुनो यहाँ कपड़े धोने का क्या इंतजाम है? धोबी को भेज दो साहब। हाँ भेज दो। सलाम। दोनों एक जैसे शायद जोड़वे भाई है। यहाँ गुजारा बड़ा मुश्किल है छोटे बाबू। मुंह खोलो तो पैसा, सांस लो तो पैसा। आ जाओ। हजूर धोबी हाजिर है। छोटे बाबू कपड़ा लेने वास्ते आया। बाप रे एक साथ ही वो पैदा हुए। ये लो जल्दी से धो के ले आओ। बहुत अच्छा माय बाप, बख्शीश। ये लो और सुनो कमरा साफ करवाना, किसी छोकरे को भेज दो। छोकरा नहीं, छोकरी को भेज दो। नीम जी। हाँ जी। छोकरी किस लिए? छोटे बाबू तीनों एक जैसे, अगर चौथा भी वैसे ही आ गया तो। आ जाओ, आओ ना मुनीम जी। जी जरा जाके देखिए तो। छोटे बाबू, छोटे बाबू क्या हुआ? उन तीनों की एक बहन भी है। बहन? मूछो वाली। देखा मुनीम जी, शहर आने का फायदा, 30,000 रुपए का मुनाफा हुआ। हाँ छोटे बाबू। अरे बाप रे क्या हुआ? 3 रुपए बारह आने का घाटा भी हो जाता। घाटा? हाँ मैं अपना छाता दुकान में भूला है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी छाता लेकर आता हूँ। अरे तो नहीं नहीं तो 4 मील चल चुके होंगे। कहाँ चले छोटे बाबू? तो खाना खा लेना, मैं देर से आऊंगा। छोटे बाबू तुम जानते हो ये अजंता थिएटर कहाँ पर है? इस होटल में सिर्फ अपन को मालूम है कि अजंता थिएटर किधर है। तो बताओ कहाँ है वो? था इधर, गुम हो गया। अब याद आया? जी अब याद आ गया। तो बताओ कहाँ? चलो हमारे साथ, अपन भी उधर को जाता है। टैक्सी का किराया तुम देंगे ना? हाँ मैं ही दूंगा। कौन सी वाली क्लास में बैठेगा? 20 रुपए वाली, 25 रुपए वाली, 50 रुपए वाली या 100 रुपए वाली? 100 रुपए वाली। 100 रुपए वाली क्लास में? वेरी गुड। तो फिर उसके लिए एक हरा हरा नोट दे दो, क्यों में खड़ा होने से बच जाएगा। ये लो। थैंक यू। जल्दी से चलो। अरे इतना जल्दी क्या? मुझे वहां किसी से मिलना है। किस से? एक लड़की से। यू मीन गर्ल? हाँ। गोरा गोरा दूध जैसा कलर है उसका। हाँ। गुलाब जैसा होंठ है उसका। हाँ। राज जैसा काला बाल है उसका। बिल्कुल। नाचता है। हाँ। सर फोड़ दूंगा। डिसूजा तुम्हारा नहीं उसका। हम गरीब आदमी है तो क्या हुआ, वो हमारा छोकरी है हमारा। हम उसके साथ शादी बनाने को, उसका 5,000 का कर्जा उतारने को डेरा बना, लॉन्ड्री वाला बना, झाड़ू मार बना और गधा बनने को भी तैयार है, और वो तुम्हारे साथ। क्या बकते हो डिसूजा? क्या नाम है उस लड़की का? किलेरा फर्नांडिस। ये हंसने का बात नहीं है, रोने का बात है, रोने का। नहीं डिसूजा ये रोने की बात नहीं, हंसने की तो बात है। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लड़की बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की है। तो पहले से क्यों नहीं अपन को बोला तुम? अरे इस बात पे तो टैक्सी का किराया अपन देगा, चलो हमारे साथ आओ। प्रीति जी जल्दी कीजिए, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। आप ऊपर हो एकदम अंदर चले। कहाँ जा रहे हो? शरत तुम हमको नहीं जानते, हम कौन है? तुम जो भी हो पहले बाहर जाओ, चलो। व्हाट? तुम हमारा इंसल्ट करता है, हम तुमको अभी बताएगा, ये तुम्हारा डांस फैंस सब बंद करा देगा। क्लेरा क्लेरा डांस।
दांत खत्म होने तक यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। ये क्यों शोर मचा रखा? हेलो डार्लिंग, डार्लिंग ये हमारा इंसल्ट करता है, हमको अंदर आने नहीं देता है। अरे ये किलर मैम साहब हमारा होने वाला बीवी है, हमारा मिसेस, समझा? क्यों डार्लिंग? शट अप। डार्लिंग तुम हमारा प्रेस्टीज खराब करता है, हमारे दोस्त के सामने हमारी इज्जत लेता है। हम प्लीज हमको अंदर आने दो प्लीज। सुनो इनको अंदर आने दो। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। शट अप। थैंक यू। देखा कितना प्यार से हमको शट अप बोला। प्लीज देखो तुम यहीं बैठो। ओके तुम क्या कर रहे हो? बैठे गोपाल बाबू बैठे। ये वही 100 रुपये वाला सीट है। गोपाल बाबू हम तो आते हैं तो यार शमा रोशन हुई, परवाने आई जल गई। परवानों की मौत तो आप सबने देखी, लेकिन शमा पर क्या गुजरी ये सिर्फ एक ने देखा, एक गुमनाम संगीतकार ने जिसका नाम है गोपाल। वो इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि अगर हम सबने उसे पहचाना, समझा, उसका साथ दिया तो एक दिन वो बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा। हमारा आज का कार्यक्रम क्षमा परवाना ये उसी की देन है, झनकार उसकी है, पायल मेरी है। फिर भी है मिलने से मजबूर
शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन, पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन, जब से है जन्मी प्यार की दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। हायरी किस्मत अंधी किस्मत, देख सकी ना मेरी तेरी खुशी, हायरी किस्मत अंधी किस्मत, देख सकी ना मेरी तेरी खुशी, हायरी उल्फत बेबस उल्फत, रोके थकी जल जल के मरी, दिल जो मिले किसका था कसूर, दिल जो मिले किसका था कसूर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। कैसे मालूम हो? आजकल छोटे वो अकेले ही जाते हैं। साफ साफ कहिए मुनीम जी, क्या बात है? शायद वो किसी से मिलने गए। मिलने जाते हैं? किससे? बताऊं तो बुरा, न बताऊं तो और भी बुरा। उसी लड़की से जो बहुरानी के ब्याह में आई थी। जहां तुम मुझे ले आई? नहीं, जहां तुम्हें होना चाहिए था। सुनो, एक नई धुन सुनो। ये उस खड़ी उस पल का संगीत है जब अंधेरा और उजाला गले मिलते हैं। शाम का गीत जब सूरज डूबता है? नहीं, सुबह का गीत जब पहली किरण फूटती है।
कहाँ चली? थक गई होगी, पहले चाय ले आओ। रामू जी, छोटे बाबू शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ। मुनीम जी, जी गाड़ी स्टेशन पर भिजवा दी। कभी की बबुरानी, बस अब आती ही होगी। चाय लाई हूँ। रख दो। तुम आज फिर शहर जा रही हो? कुछ दिन पहले ही तो गए थे। मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। किसी तरह भी नहीं रुक सकते? नहीं, मेरी खातिर भी नहीं। तुम समझती क्यों नहीं रही, मेरा जाना जरूरी है। तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें नहीं रोक सकती, तो जाओ, तुम्हारी मर्जी। चाय तो पीते जाओ। देर हो रही है, गाड़ी छूट जाएगी। पर मैंने तो कोई तार नहीं दिया। आओ अंदर आओ। समझ में नहीं आता ये तार तुम्हें किसने दिया, पर ये क्यों लिखा कि मैं बीमार हूं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं भी हैरान हूं कि किसने भेजा है तार। तार मैंने भिजवाया था। तुमने? हाँ, अगर मैं ये लिखती कि मैं बीमार हूं तो ये कभी ना आती, मजबूरन तुम्हारा नाम लिखना पड़ा। तुम्हारा बड़ा ख्याल है ना इसे? समझ गया, इन दिनों ये जरा घबरा रही है ना, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। कहो स्टेशन से घर तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, गाड़ी आ गई थी स्टेशन। मेरे तो हाथ पांव भूल गए थे, रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही ये खबर झूठी साबित हो तो मैं मिठाई बांटू। तो आप किसे मिठाई खिलाओगी, मुझे या रेनू को? अरे तुम अभी तक यही बैठे हो, जाओगे नहीं तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। हाँ मगर सोचता हूँ कि प्रीति आ गई तो आज यही रुक जाऊं, कल परसों चला जाऊंगा। अच्छा, तो दुनिया में कोई चीज ऐसी भी है जो तुम्हें जाने से रोक सकती है? रेनू, कोई भी पत्नी झूठ नहीं लिखती कि उसका पति बीमार है। तुम सचमुच बीमार हो? क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, तुम्हारा इलाज है तो शायद इसी के पास, तो यही कराओ ना अपना इलाज अपने घर में अपने बीवी की नजरों के सामने। रेनू, क्या पागल हो गई हो? रेनुका, तुम सोच भी नहीं सकती कि हमारा रिश्ता क्या है। रिश्ता? तुम इसे रिश्ता कहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें इसे रिश्ता कहते हुए? नहीं, मुझे नाज है इस रिश्ते पर, इसकी पवित्रता पर। नाज तो होगा ही, शर्म बेच खाई है ना। रेनू, अब मैं समझी तुम्हारे होठों पर ऐसी मुस्कुराहट, आंखों में इतनी चमक क्यों है। अब मैं समझी हमारे लगन की रात तुम्हारे पास की झंकार में इतनी तड़प क्यों थी, तुमने जो की तीने सिखा उतनी मिठास क्यों थी। तुम पहले ही दिन से मेरी मां का सिंदूर अपनी मां में भरना। गोपाल, मैं जाती हूँ, फिर यहां कभी नहीं आऊंगी। अब न तुम मेरे पास आने। प्रीति, प्रीति सुनो। जाने दो इसे। तो मेरे सामने से? नहीं, तुम पर अधिकार है तो सिर्फ मेरा। अधिकार? तुम्हारा क्या अधिकार है? मेरी पत्नी हूँ। पत्नी तो इत्तफाक है, एक हादसा है, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ। क्या ये झूठ है? झूठ है, झूठ है, झूठ है। शादी का मतलब सुख, मुझे क्या मिला है तुमसे? तुमने मेरा सांस छीनकर मेरे हाथ में तराजू थमा दिया। सुख के बदले घुटन, संगीत के बदले अनाज के भाव। अच्छा अधिकार है तुम्हारा, हट जाओ मेरे सामने से, मुझे भी जिंदा रहने का हक है। तुम इतनी एक बोझ बन गई हो, बहुत बोझ उठा चुका, अब ये बोझ नहीं उठाया जाता। गोपाल, क्या हुआ गोपाल? शांति, अरे कोई है, जल्दी आओ जल्दी आओ। सुनते हो, सुनते हो, मुन्नी हुई है। मुन्नी? मुन्नी? हाँ।
रघु जल्दी से जाकर ठाकुर जी को खबर दिया, वो नाना बन गए हैं। जल्दी जा। सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। जी। बहू रानी और बच्ची दोनों ठीक हैं, मगर मगर क्या? ऐसा लगता है कि बहू रानी को कुछ सदमा पहुंचा है, वो अपने आपे में नहीं है। अगर दौड़ा पड़ गया तो न जाने क्या कर बैठे। ऐसी हालत में अगर बच्ची को अलग कर दिया जाए तो अच्छा है। माँ से? जी हाँ, सिर्फ चंद दिन के लिए। मैं एक दवा भिजवाए देता हूँ, बहू रानी ज्यादा परेशान हो तो खुराक पिला दीजिएगा। डॉक्टर साहब, डर की तो कोई बात नहीं? जी नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बहू रानी, वो कहाँ है? कौन? छोटे बाबू, घबराइए नहीं, वो आ जाएंगे। तो वो चले गए, मैं जानती थी, पहले ही से जानती थी वो चले जाएंगे, मुझे मेरी मुंडी को छोड़ के जाएंगे। सामने से मेरे लिए एक बोझ बन गई, बहुत उठा चुका ये बोझ, अब नहीं उठाया जाएगा। चले जाओ, अपने घर वापस चले जाओ। तुम चाहती हो मैं यहां से भी चला जाऊं? ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे कोई भी नहीं समझता और ना कोई समझ सकता है। जानती हूं,
मगर तुम्हारा ये फर्ज है। फर्ज है तो सिर्फ मेरा, उनका कोई फर्ज नहीं? उनका तुम पर अधिकार है। अधिकार है तो क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए? माथे पे शेरों के अंगारे रख लिए, शनाई की रोती हुई ताने सुनी, भैया के आंसू भुला दिए, मगर रेनू का जो सपना था उसे पूरा होने दिया। मेरा भी तो एक सपना है, मुझे क्यों नहीं उसे पूरा करने देती? कुछ भी हो वो तुम्हारी बीवी है, ना समझ सकी, मगर तुम्हारी है। प्रीति, मैंने जब देखा कि मेरा सपना जीवन के लिए बोझ बन गया तो मैंने अपने सपने को ठुकरा दिया, मगर अब मैंने फैसला कर लिया, अगर जीवन मेरे सपने के लिए बोझ बन गया तो मैं अपने जीवन का गला घोंट दूंगा, मगर वापस नहीं जाऊंगा। जो होना सो होने दो। होना क्या, जो कुछ होना था हो गया है छोटे बाबू। मुनीम जी, तुम यहां क्यों आए? चले जाओ वापस, मैं नहीं जाऊंगा, कह दो अपनी बबरानी से जाकर। नहीं छोटे बाबू, अब मैं नहीं कह सकता, तुम भी नहीं कह सकते, अब कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ मुनीम जी, बात क्या है? उन्होंने आत्महत्या कर ली। तू उस दिन इस तरह न चला जाता तो शायद वो बच जाती। मां, मां मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये किसने इस घर में आने दिया? प्रताप की मां, किसने इसे बुलाया है इस घर में? पिताजी मैं खबरदार क्यों मुझे पिता कहा? मैं ना किसी का पिता हूं ना कोई मेरा बेटा है, मेरे लिए दोनों बेटे मर चुके हैं। ये सब किस्मत के खेल है गोपाल के पिता, इसमें गोपाल का क्या दोष? दोष मेरा है कि मैं इस नालायक का मुंह देखने के लिए आज भी जिंदा हूं। दोष मेरा है कि मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, रेणुका जैसी लड़की से इसका ब्याह किया। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। निकल निकल यहां से। तुमने उसे रोका? प्रीति, 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 ये झूठ है, सब झूठ है। तुम कहती थी संगीत मेरी जिंदगी है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। संगीत मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। ये तुम क्या कह रहे हो? जानती उसने क्या किया? उसने रेनू की जान ले ली, मेरे घर वाले मुझसे छीन लिए, मुझे बेघर और मेरी बच्ची को यतीम बना दिया। प्रीति, संगीत मेरा दुश्मन है। गोपाल, क्या कर रहे हो गोपाल? फूंक दूंगा इन सबको, जला दूंगा, राख कर दूंगा। ये तुम्हें क्या हो गया है गोपाल? ये जिंदगी नहीं मौत है, मौत, इनकी भी चिता जलनी चाहिए। चिता जला दूंगा। यही चाहती थी ना? देखो जहां भी हो, देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, तुम मुझसे नाराज नहीं ना? अब तो खुश हो, खुश हो ना? मुझे कोई शिकायत नहीं ना? मुझे कोई शिकायत नहीं ना? अच्छा भिखू, अब मैं चलता हूँ, तो पिताजी और माँ का ख्याल रखना। मगर छोटे मालिक, आप उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे? इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुरानी ने नदी में कूद कर जान दी। नहीं भिखू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बहुरानी जरूर जिंदा है। हम लोगों ने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिले, वो जरूर जिंदा है और मैं उसे जैसे भी हो ढूंढ निकालूंगा। तुम लोगों ने किसी लड़की को इधर पानी में बहकर आते तो नहीं देखा?
ये क्या तुम फिर सीढ़ियां उतरकर यहां बैठे? पहले से दिल कमजोर है, वैद्य जी ने हिलने डुलने से भी मना किया है, और तुम किसी की सुनते क्यों नहीं? भाभी, भाभी, अरे जिंदा नहीं बोला, भाभी से जाके कह दे कि मेरी बेटी का जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। प्रताप, प्रताप, बेटा चल, तेरे पिताजी सुनेंगे तो। अरे बिरुन जी कहाँ जा रहे हो? मिठाई बांटो, बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। ऐसी क्या खबर है ठाकुर? अब मेरी बेटी जिंदा है। हाँ हाँ, रेबिका जिंदा है। अरे जिंदा है? हाँ, अस्पताल में जाएगा। अस्पताल में? अमर सिंह सुना तुमने? अरे कमाल हो गया, रेणुका जिंदा है। हाँ हाँ, प्रताप उसे देख कर आया। अरे मेरी तरफ देखते क्या हो? घोड़ा उठाओ, चल चलो। प्रताप, कहाँ है बहुरानी? कहाँ है ठाकुर साहब? कहाँ है रेणु बिटिया? प्रताप, कहाँ है बहुरानी? कहाँ है? तुम लोग वो क्या तकलीफ बढ़ गई? क्या दर्द ज्यादा हो गया? क्या गोपाल बाबू, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? खिड़की खोल दो। खिड़कियां तो खुलकर कब की बंद हो चुकी है मैनेजर साहब। इस जरा इस पर दस्तखत तो कर दीजिए। कब तक दस्तखत करता रहूंगा? कैसे चुकाऊंगा इतना कर्जा? जी 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 जी, मैंने इसे कर्जा समझा ही नहीं। दरअसल ये तो हिसाब किताब के लिए है। अगर अदा न कर सका तो? अदा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई बनाया है तो छोटा भाई ही समझूंगा। लीजिए लीजिए, इधर इस पर दस्तखत कर ही दीजिए। गोपाल बाबू, तुम इधर से चला जाओ। फॉर गॉड्स सेक, तुम इधर से चला जाओ। ये मैनेजर अच्छा आदमी नहीं, बहुत ही बदमाश आदमी। तुमको ये दारू पिलाकर कोरा हुंडी पर तुम्हारा दस्तखत लेता है। तुमको इधर फांस के रखने के लिए हमको 100-100 रुपए का बख्शी देता है। गोपाल बाबू, 100-100 रुपए का बख्शी देता है। तुमको कोई मिलने आता है तो झूठ बोलता है कि तुम इधर नहीं है। हमने अपने कानों से सुना। मुझसे कौन मिलने आता है? तुम्हारे कोई गांव का आदमी मालूम पड़ता है, ऊंचा ऊंचा, लंबा लंबा, गोरा गोरा जैसा, देवता का मापा, बहुत ही सेंट आदमी। जरूर प्रताप भैया होंगे। डिसूजा, तब तो ये मैनेजर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। प्रताप भैया को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, कभी नहीं दिखा सकता। डिसूजा कभी नहीं दिखा सकता। मैनेजर साहब, आप इतनी जल्दी आ गया? आपको तो कहा था ना कि गोपाल बाबू आएंगे तो आपको खबर कर दूंगा। अभी तक नहीं आया। आए भी और चले भी गए कुछ रुपए और लेकर। आपने रोका नहीं, बताया नहीं कि मैं कितनी बार उसे ढूंढने यहाँ आया हूँ? पिताजी चल बसे, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने तो सब कुछ कह दिया और ये भी बता दिया कि बहू और बच्ची बहुत याद करती हैं। फिर भी नहीं रुका। अब मैं वापस नहीं जाता जी, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। क्या भरोसा, कब आए? आप कितने दिन ठहरेंगे भला? उधर बूढ़ी माँ है, बहू रानी है, बच्ची है। हाँ, ये भी ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बार आए तो उनको जाने नहीं दूंगा। लाख मांगे तो फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। पैसे के लिए किसी ने उसका अपमान कर दिया तो? पैसे न मिलने पर यहाँ से भी चला गया तो? हाँ, ये भी हो सकता है। रुपया जितना मांगे दे दीजिएगा, अदा हो जाएगा। देखिए, उसे कोई तकलीफ न होने पाए। तकलीफ तो आपको होती है जो बार बार यहाँ आना पड़ता है। ये लीजिए 10,000 रुपया, पिछली हुंडी का। राम 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 राम, छूते हुए हाथ जलने लगते हैं। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी, पूरे 10,000 हैं। देखिए, हर बड़े शहर का थिएटर बुक कर लीजिए, जगह जगह पोस्टर लगवा दीजिए,
पे हमारा ध्रुव गोपाल की गीत पेश करेगा। कोई जगह न बचे, हर एक की नजर पड़नी चाहिए। जी बहुत अच्छा, मगर ये सब जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। आप बेफिक्र रहिए, सब बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा नमस्ते। देवी एक बात पूछूं? क्या? ये अचानक तुम्हारी सोई हुई पायल क्यों जाग उठी? समझी तुम्हें अपना मीत मिल गया होगा। अभी नहीं क्लारा, लेकिन एक दिन उसे मिलना होगा। मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी, जैसे भी हो। झंझना के अपनी पायल चली मैं आज, मत पूछो कहाँ। झनन झंझना के अपनी पायल चली मैं आज, मत पूछो कहाँ। झनन झंझना के अपनी पायल चली मैं आज, मत पूछो कहाँ।
छुप रहता, इतना ही मालूम हो जाता कि वो कहाँ है, कैसा है, तो मैं चुपचाप अपने आंसू पी लेती। मैनेजर साहब, ये होटल है कोई धर्मशाला नहीं, बहुत दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, सब सामान बाहर फेंक दो। सामान फेंकने की क्या जरूरत है मैनेजर साहब, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे बहुत देखे तू जैसे ईमानदार, निकल जाओ यहां से। ये 100 रुपया तुम्हारा हम छूता भी नहीं है 100 रुपये पर, अगर ऐसे हराम के रुपये से हम शादी बनाएगा तो चर्च का घंटा बनना बंद हो जाएगा। तुम चोर है, 420 420। अंदर अंदर से शरीफ आदमी का गला काटता है और ऊपर से भगवान को दिखाने के लिए लंबा लंबा तिलक लगाता है। चुप, डिसोजा का बच्चा, तुमको शर्म नहीं आता? अरे तुम जैसे आदमी को भगवान देखेगा तो आदमी बनाना बंद कर देगा, बकवास, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। अबे जा, तू क्या नौकरी से निकालेगा, मैं खुद इस नौकरी पर लात मारता हूँ, तो निकल जा। संगीता बेटी, आ दूध पी ले। संगीता नहीं है। किधर गई बेटी? सो गई। ओ तो हम भी खो जाते हैं। पकड़ लिया। तो हमने भी तुझे ढूंढ लिया। अब गटगट करके पी ले। पहले गाना सुनाओ। नहीं, अभी घर में कोई नहीं गाना गाएगा, गाने से सत्यानाश हो जाता है। ये नाश क्या चीज है? दूध खट्टा हो जाता है। तो मैं पी लूं? हाँ, आंख बंद कर। तुम आंख बंद करो, मैं पीती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ले। गिलास ऊंचा करो। शाबाश, और एक बोल, और और और। अरे संगीता बेटी, अरे दूध तो पी ले। नहीं बहू, मुझसे खाने के लिए न कहो, जी नहीं चाहता। कुछ तो खा लो माँ। आपने तो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया है माँ। भूख नहीं है बहू। इस तरह खाना पीना छोड़ने से कैसे चलेगा माँ, आंखों से तो पहले ही कम दिखने लगा है। कैसे खाऊं बेटा, 5 साल हुए गोपाल को। तुम क्यों फिक्र करती हो माँ, फिक्र करने को हम जो हैं। अभी अभी 20,000 रुपया और देकर आया हूँ होटल के मालिक को, उसने मुझसे वादा किया है वो गोपाल को घर वापस जरूर भेज देगा। वादा तो वो कई बार कर चुका है, पैसा भी जितना मांगा तुमने दिया, यहाँ तक कि मकान भी गिरवी रखना पड़ा। छोटे मालिक, छोटे मालिक, ये देखिए चिट्ठी आ गई है शहर से। चिट्ठी शहर से? गोपाल की चिट्ठी है? कब आ रहा है वो, क्या कह रहा है, कैसा है वो, बोल बोल बेटा। क्या बात है मुनीम जी, कैसी चिट्ठी है? चिट्ठी नहीं है माँ जी, नोटिस, 20,000 रुपया फौरन नहीं भरा तो गोपाल को जेल हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये मकान जो गिरवी पड़ा है 7 दिन के अंदर मैं छुड़ाया गया तो नीलाम हो जाएगा। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, खाली करना पड़ा कर देंगे, वो पहाड़ी वाला मकान तो बाकी है, वहां जा रहेंगे। लेकिन वो 20,000 रुपया। मुनीम जी, पहाड़ी वाला मकान गिरवी रखकर ये रकम अदा कर दीजिए। नहीं भैया, वो मकान गिरवी मत रखिए, वो मकान आपका है, पिताजी आपको दे गए हैं। मेरा क्या और गोपाल का क्या, जो है वो हम सब का है, जो नहीं वो किसी का भी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब तक क्या आपने कम दुख उठाए थे हमारे लिए। ये दुखी तो हमारे लिए खुशी का संदेश लाता है बहू, जब भी नया नोटिस आता है एक नई उम्मीद बनकर। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं कि हमें गोपाल की खबर मिलती रहती है, ये तो मालूम होता रहता है कि गोपाल कहीं तो है। इतना कुछ करने के बाद भी बेटा, भगवान न करे कहीं गोपाल। नहीं माँ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, गोपाल को घर वापस आना ही पड़ेगा। ये इतने बरस से तुम्हारी रोती हुई आंखें, जिनमें अब एक आंसू भी नहीं रहा, बहुरानी की हर प्रार्थना में गोपाल का नाम, इतने जतन जो मैंने किए हैं उसे वापस लाने के लिए, अगर ये सब बेकार हो गए तो मैं समझ लूंगा भगवान कहीं नहीं। बेटा नहीं माँ नहीं, गोपाल आएगा, गोपाल जरूर आएगा, और उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम तो माँ
उसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ किधर है डार्लिंग? वो बेंच पर कौन आदमी बैठेला है? होगा कोई भिखारी। चल अब, वो हमारा फ्रेंड गोपाल बाबू है। तुम हमारे फ्रेंड को भिखारी बोलते हैं? तो खत्म हो गया। गोपाल बाबू तुम फिक्र मत करो, दूसरा अखा बांट लिए। अब आगे गया अभी नहीं। इन्हें मेरे घर पहुंचा दो। नहीं सुन सकता इसे, नहीं सुन सकता। ये तुम्हारा ही संगीत है गोपाल। था। इसमें तुम्हारे ही दिल की धड़कनें, तुम्हारा ही सपना है। खो गई वो धड़कनें, टूट गया वो सपना, मिट गया वो संगीत। नहीं, तुम इसे मिटाना भी चाहो तो नहीं मिटा सकते। संगीत तुम्हारी जिंदगी है, संगीत तुम्हारी रगों का खून है। होगा, पर मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने ही जरूरत देखने वाले सिर्फ सांस लेते हैं, जिंदा नहीं रहते। जिंदा तो वो रहते हैं जिनकी दूसरों को जरूरत होती है। तुम्हें संगीत की जरूरत नहीं, संगीत को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी, गोपाल की। गोपाल मर चुका है प्रीति, गोपाल तो कब का मर चुका है। जो मर चुका है मर चुका है, तुम नया जन्म ले सकते हो। नहीं प्रीति, नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। मैं अपना सब कुछ लुटा बैठा हूं, मेरा सब कुछ जल चुका है प्रीति। गोपाल, ये क्या? मेरी तो इन्हें आग लगा दी थी, मगर मैंने इन्हें बचा लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती थी एक दिन तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना तलाश किया। नहीं 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 प्रीति, अब इन्हें छोड़ने के लिए मुझ में ताकत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। करना ही होगा, करना ही पड़ेगा गोपाल। समझ लो कि तुमने जो आग लगाई थी अपने बीते हुए दिनों को। गोपाल तुम कलाकार हो, संगीतकार। जिन लोगों का जीवन बेरंग हो गया है, अपने संगीत से तुम उसमें रंग भर दो। जो भूल बैठे हैं कि प्यार क्या होता है, उन्हें अपने संगीत से प्यार करना सिखाओ। गोपाल देखो, उधर देखो, एक नया सवेरा, एक नया सूरज उदय हो रहा है। इसकी सुनहरी किरणों में अपने आप को देखो, स्वागत करो इस सवेरे का। तुमने आंखों में दवा नहीं डाली?
क्या फायदा बेटा, जो नजर चली गई वापस नहीं आ सकती। क्या कह रही है माँ, दवा नहीं डालोगी तो फायदा कैसे होगा? मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नई दवा लाऊंगा। दवा उतनी जरूरी नहीं जितना बच्ची के लिए दूध। देख नहीं सकती तो क्या हुआ बेटा, घर की हालत तो मुझसे छिपी नहीं। अंधे होकर तो मुझे पहले से भी ज्यादा दिखाई देने लगा है। 2 दिन से बच्ची को दूध नहीं मिला, मेरे फटे हुए कपड़े, बहू रानी के गहनों से खाली हाथ, हम कंगाल हो गए बेटा, कंगाल। नहीं माँ नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसका फल भगवान हमें जरूर देंगे। माँ मेरी प्रार्थना काम नहीं आई बेटा, शायद तेरी नेकी काम आ जाए। अच्छा माँ अब मैं चलूं? खाना खाकर जा बेटा, बहू लाने गई है। ओ बेटा तू शहर तो जा रहा है, अगर हमें मोहलत न मिली तो ये मकान कब तक छोड़ना पड़ेगा? परसों। परसों तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, बहू और बच्ची को लेकर कहाँ मुझे बातें? तुम फिक्र ना करो माँ, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, पर तुम सब पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्या हुआ जो ये मकान छोड़ना पड़ा? मकान छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या होगा चाचा जी, ये गंदा मकान है, हम अपने पहले वाले मकान में जाएंगे। हाँ बेटी। चाचा जी हा? ये तुम्हारा कोट कैसे पड़ गया? पुराना हो गया है ना, तो शहर से जाके नया खरीदो। मैं क्या करूँगा अब नया कोट पहनकर, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ तेरे लिए और एक नया फ्रॉक लाऊंगा, बोल तो कौन सा रंग चाहिए? फ्रॉक नहीं चाहिए तो ग्रामोफोन चाहिए। हाँ ग्रामोफोन, कल तक हम सड़क पर होंगे और इसे ग्रामोफोन चाहिए, नहीं आएगा ग्रामोफोन। ऐसा मत कहो माँ, हमने तो अच्छे दिन देखे, इस बेचारी ने अभी देखा ही क्या। चल बेटी। अच्छा बेटी ग्रामोफोन आएगा तो कहाँ बजाएगी बैठ के? पुराने घर में। हाँ ग्रामोफोन आएगा तो हम लोग पुराने घर में जाएंगे और वहाँ जाके ग्रामोफोन बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे और एक दिन तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम फिक्र ना करो बहू, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की ज्योत जलाए रे, आस की ज्योत जलाए
तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो, और हंसते गाते इस जीवन की धुन जी राह समारो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो। दुख में जो गाए मलहारे वो इंसान कहलाए, दुख में जो गाए मलहारे वो इंसान कहलाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो। संगीता दम तो लेने दो बहू, संगीता जरा संगीता को भेज दो। मामा कैसे जी आ गए? जाते जो बुला रहे। माँ जी प्रताप आ गए बेटे। हाँ मोहलत मिली? शायद मिल ही गई, भैया बड़े खुश दिखाई देते हैं। मैं जानती थी मोहलत मिलेगी, जरूर मिलेगी, तुम सबकी नेकी काम आ गई। एक एक करके सब बताता हूँ। इस तरह चाबी भरी जाती है, उसके बाद गाना बजाया जाता है। प्रताप मोहलत मिली है बेटा? देखो माँ कितना सुंदर गाना हो लाया हूँ। कितने दिन की मोहलत मिली है? आओ ना माँ गाना सुनो। पहले बता तो सही कितने दिन की मोहलत मिली है। तुम भी आओ ना गाना सुनो। प्रताप माँ तुम तो जानती हो क्या हुआ है, परसों शहर से आदमी आने वाला है, हम पर जो बीतेगी देख लेंगे, पर इस बच्ची को तो खुश रहने दो तब तक। आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो। का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। ये क्या बाबू मकान छोड़ने का दुख क्या तुम्हीं सबको, मुझे नहीं? मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, ये आवाज उन्हीं की। किसकी? संगीता के पिता। क्या गाने वाले का नाम तो कुछ और ही लिखा है, उदय कुमार। नाम चाहे कुछ भी हो मुझे किस्मत धोखा दे सकती है, मैं आवाज कभी धोखा नहीं दे सकती। भैया, भैया, भैया,
ये क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हो? जल्दी करो, देर हो जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ प्रीति? तुम्हारी आंखों में आंसू। आज मुझे डर लगता है मैं तुम्हें कहीं खो ना बैठूं। क्या कह रही है? आज तुम संगीत भारती बनने वाले हो ना, देश के सबसे बड़े संगीतकार। अब तक तुम सिर्फ मेरी थी, आज सारे संसार के हो जाओगे। प्रीति, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं? अगर तुम्हें डर लगता तो मैं संगीत भारती नहीं बनना चाहता। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसा ना कहो। ये दिन मैंने बहुत पहले से देख लिया था, मगर इतनी खुशी मुझे कैसे बर्दाश्त होगी? आज मेरा उदय गाएगा, उसका संगीत हजारों लाखों आदमी सुनेंगे, मैं तो बस उनमें से एक हूं। हाँ, मैं भी सुनूंगी, पर उनके साथ नहीं, यहां अकेली सुनूंगी। ठीक है प्रीति, तू मत जा। इधर पाउडर लिपस्टिक लगाएगा, उधर भाई लोग हमारे ऊपर अंडा टमाटर मारेगा, आप इधर शीशे में मुंह देखेगा, उधर जूता पड़ेगा, इतना जूता पड़ेगा कि बॉस का मेमी हमको जूते का दुकान खोलना पड़ेगा। यस बॉस, मेम साहब नहीं चाह रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। मेम साहब नहीं जाएगा? ये कैसे होने को सकता, कोई इतना बड़ा म्यूजिक का टाइटल मिलेगा और मेम साहब नहीं जाएगा? नहीं नहीं बॉस, इधर जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। सुनो, कहिए क्या काम है? गोपाल कहाँ है? कौन है आप? मेरा नाम प्रताप है। कहाँ है गोपाल? गोपाल नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। मेरी आंखों में धूल डालने की कोशिश मत कीजिए, मैं उसका पता लगाकर यहाँ आया हूँ। बताइए कहाँ है वो? कह जो दिया, वो यहाँ नहीं रहता, चले जाइए आप। ये कौन है? ये उदय कुमार है, इससे मैंने जिंदगी दी है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। जिसके लिए हमने इतने दुख उठाए, बर्बाद हो गए, सब कुछ लुटा बैठे, आप कहती हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं? नहीं, आपका गोपाल तो मर चुका है। मार ही डालता तो अच्छा था, छोड़ दिया है तो सिर्फ इसलिए कि हमारी रेणुका की मांग का सिंदूर ना मिट जाए। क्या? लेकिन ये सब देखने से पहले रेणु का सच कुछ मर क्यों ना गई? तो रेणु जिंदा है? हाँ जिंदा है, मगर कहने को तुमने जिंदा ही रहने कहा दिया उसे? तुमने एक पत्नी से उसके पति को छीन लिया, एक बच्ची से उसके पिता को छीन लिया और एक मां से उसके बेटे को अलग कर दिया है। तुमने तो वो किया है जो मौत भी नहीं कर सकती। पर याद रखो, किसी का सुख छीनकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मैं जाता हूं, गोपाल से कह देना अगर वो अब भी घर वापस न आया तो भगवान उसे माफ कर दे तो कर दे, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा। अभी आपने उदय कुमार को संगीत भारती की उपाधि पाते देखा।
अब ये आपको अपना एक गीत सुनाएंगे। हमारे मीत न होते गीत ये मेरे गीत न होते, हंसते जो तुम ये रंग न भरते ख्वाब ये मेरे। सुनते तू गाता मैं, तुम जो न सुनते तू गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे जी करता कर आऊं, जी करता है उड़ कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं। तुम जो हमारे मीत न होते गीत ये मेरे होते, हंसते जो तुम ये रंग न भरते ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। तुम जो हमारे उदय, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरा आदर्श था तुम्हें एक बहुत बड़ा संगीतकार बनाना, आज मेरा आदर्श पूरा हो चुका है। अगर तुम्हें सचमुच मुझसे एक नई जिंदगी मिली है तो अपने गांव वापस चले जाओ, खेल खत्म हो चुका है। प्रीति, तुमने जो कुछ भी लिखा क्या वो सच है? तुम यही चाहती हो क्या? सचमुच में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम तो सिर्फ एक खिलौना जिससे तुम खेलती हो सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए। कहो कहो प्रीति, तुम खुशी होगी मेरे इस तरह चले जाने से? क्या सचमुच मेरी कोई भी जगह नहीं तुम्हारी जिंदगी? बोलो प्रीति, बोलो, जवाब दो। नई जिंदगी इसलिए दी थी कि खुद ही मुझसे छीन लो। ठीक है प्रीति, तू चाहती तो मैं चला जाता हूं। इस वक्त तू मेरे सामने भी होती तो शायद मैं तुमसे कुछ ना पूछता, कहता तो सिर्फ इतना
तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती प्रीति। जब तक उदय जिंदा है तुम हमेशा हमेशा उसके साथ हो, हमेशा हमेशा। कुछ मोहलत नहीं मिल सकती, हम ऐसी हालत बच्ची को लेकर कहां जाएं? तुम्हारे 20,000 रुपए तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ मोहलत मिल गई तो मेरा बड़ा बेटा शायद कोई जगह ढूंढ लेगा। मोहलत मिलेगी ना? हाँ मां। मैं जानती थी सभी माँ के बेटे होते हैं ना, तुम भी तो मुझ जैसी किसी माँ के बेटे हो। ये आपकी आंखों को क्या हुआ? चली गई बेटा, गोपाल के साथ ये भी चली गई। वो मेरा छोटा बेटा है, उसने हमें बड़ा दुख दिया है, बड़ा दुख बेटा। आज हम बेकारी हो गए, उसी के कारण। उसके पिता ने मुझे सौगंध दी थी मैं कभी उसका मुंह न देखूं, शायद इसीलिए भगवान ने मेरी आंखें छीन ली। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, फिर भी उसी के लिए जी रही हूं। शायद एक दिन वो वापस आ जाए, आंखों से देख तो नहीं सकूंगी। और इस तरह चुप कर तो उसे देख लूंगी। बेटा, तुम शहर से आए हो, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज देती हूँ। नहीं माँ, ऐसा भी कहीं हो सकता है बेटा शहर से आए
और माँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे गोपाल जैसी आवाज। तुम रो क्यों रहे हो? मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारे जैसे, वो मुझसे खो गई और उसकी मां मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। मैं बुरा आदमी हूं बेटे, बहुत बुरा आदमी हूं। देख तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, बुरे तो मेरे पिताजी के सब घर में रोते, मगर देखो चाचा जी से बात ना कहना वरना गुस्सा करेंगे मारेंगे। आओ मेरे साथ आओ। कहा? आओ ना मुझे उस पर बिठा दो। तुम रो मत, मैं तुम्हें एक रिकॉर्ड सुनाती हूँ। नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं सुनूंगा, तुम गा तो मैं सुनूंगा। मुझे गाना नहीं आता, सुनो ना बड़ा अच्छा गाना है, उदय कुमार ने गाया है, तुम आज मेरे संग हंस लो। अच्छा तुम गा सकते हो? झूठ, तुम गा सकते हो? नहीं बेटी। अच्छा अब बोलो। मैं गा सकता। तो फिर गाना गाओ। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। आज सुना रही होगी। कैसा गम और कैसी खुशियाँ जीते जी के मेले, कैसा गम और कैसी खुशियाँ जीते जी के मेले, प्यार में जिस दम निकले आंसू वो आंसू अलबेले, प्यार में जिस दम निकले आंसू वो आंसू अलबेले, आंसू पीते पीते जीना अरमा गले लगाए रे, अरमा गले लगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। माँ जी खाना दे आओ। दे आओ बेटी। ये लो बेटी, और जब तुम्हारे चाचा जी आए ये उन्हें दे देना, उनसे कहना कि मैं उन्हें अपना काला मुंह नहीं दिखा सकता, बस उनसे एक ही प्रार्थना वो मुझे माफ कर दे। समझी? संगीता वो शहर से जो आदमी है वो कहाँ गए? वो तो चला गया माँ, और चाचा जी को ये देखे गया है, और बाद में क्या बोला कुछ पता नहीं माँ। इतने पैसे? सुनिए
मैंने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान ने मेरी बात सुन ली। वो वापस आ गया तुम्हारे गोपाल। मैं तो इतने दिन तो कहा था बेटा, देख तेरे बिना हम लोगों की क्या हालत हो गई है। रोकर आगे भी चली गई बेटा, मां से भी कहीं इस तरह रूठा करते हैं गोपाल। अब तो तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना बेटे, वो नहीं जाएगा। छोड़ के जाएगा, देखता हूं कैसे छोड़ के जाता है। देख गोपाल, ये सारा बोझ अब तक मैंने उठाया है, अब मुझसे नहीं होता भैया, अब मुझसे नहीं होता। मैं थक गया हूं भैया। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। प्रताप, गोपाल आओ बेटा मेरे पास आओ। मां, कौन कहता है मैं अंधी हूं, मेरी दोनों आंखें मुझे मिल गई। मां जी, अरे तू दूर क्यों खड़ी है, आ मेरे पास आ। आ बेटी मेरे पास आ, आज तुम सब मेरे पास आ जाओ। संगीता, संगीता कहाँ है संगीता? तुम आज मेरे संग गालो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आलो और हस...